हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। तो एक अमेजिंग वीडियो के साथ हम वापस आ गए हैं आप लोगों के लिए। देख सकते हैं बारिश हो रही है तब भी वीडियो शूट हो रही है। तो हम लोग अनबॉक्सिंग का एक वीडियो हम लोग आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी आपके भाई ने एक टेल बैग परचेस किया है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी लॉन्ग राइड्स होंगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी तक की मेरा फर्स्ट टेल बैग है, अभी दिखाते हैं। इस बॉक्स में है अपना टेल बैग, और जो कि आप लोग स्टिकरिंग देख के आपको पता चली गया होगा कौन से ब्रांड का है। रिसेंटली डायनॉक्स वालों ने एक टेल बैग लॉन्च किया था, तो फाइनली आपके भाई ने परचेज कर लिया है। इसको परचेज करने के लिए बड़ी मेहनत लगी है। मेहनत क्या, बड़ा महंगा था, 6,350 रुपये का टेल बैग है। तो देखते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं है। तो इसको ओपन करते हैं। चलिए, अब हम बाहर हैं तो हमारे पास कोई चाकू वाकू तो है नहीं, पर हम मिक्की का यूज़ करेंगे जैसे कि हर बार करते हैं। ओपन कर दिया है। इसके अंदर से ये कुछ निकला है, इसको रखते हैं साइड में। ये है इसका बिल है GST के साथ। तो इसको हम लोग अभी साइड में रख देते हैं, इसको हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ फेंकेंगे नहीं। तो बात करते हैं हमें टेल बैग की। उन्होंने काफ़ी बड़ी प्लास्टिक का यूज़ किया है इसको पैक करने के लिए। वैसे अब प्लास्टिक बैन हो गई है, बैन होना भी चाहिए। तो इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसा है। ये जो टेल बैग है ये 50 लीटर्स का है, मोस्ट एडवांस टेल बैग है, और आप लोग को देख के लग रहा होगा। और अभी यहाँ पे आप लोग को रैनॉक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। थोड़ा सा इन्होंने जाली वाला पैटर्न दिया है, और ब्लैक और नियॉन का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अब एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो चलिए। तो गाइस, बैग बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे दो क्लिप दी गई है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है। और अंदर का कंपार्टमेंट खोलते हैं तो दो चीज़ों में इनका कंपार्टमेंट। यहाँ पे भी दो जीपें दी रखी है, और यहाँ पे एक चैन का मैगजीन है, ये यहाँ पे चैन दी है। चैन को ओपन करते हैं तो दे सकते हैं, अंदर नियॉन का पूरा टचअप है और बाहर पूरा ब्लैक है। यहाँ पे आपको तीन ड्राई बैग देखने को मिलते हैं। ये तो इसका रेन कवर है, इसको हम लोग पानी से बचा रखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 जो है ड्राई बैग देखने को मिलती है। ये है 24 लीटर का, और 2 12-12 लीटर के हैं। तो इसमें ये वाटर प्रूफ है वैसे भी। तो यहाँ पे 3 आपको ड्राई बैग देखने को मिलते हैं, ये भी नियॉन कलर्स में। और 48 लीटर्स का हो गया, क्योंकि 24 लीटर का एक, 2 12 लीटर के 48 लीटर्स हो गए, और 2 लीटर की समझ लीजिए जो साइड वाइड में स्टोरेज दे रखी है इसके बारे में। और अंदर आपको ये पूरा अटैच, बाइक से कैसे अटैच कर सकते हैं वो पूरा मैग्नीशियम दिया रखा है। यहाँ पर स्ट्रैप हैं काफ़ी सारी, जिससे आप अपनी बाइक में इस टेल बैग को लगा सकते हैं। सब बंद करते हैं और देखते हैं बाहर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। साइड में भी 2 पॉकेट दे रखी हैं, देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या मिलता है। और यहाँ पे भी 2 पॉकेट हैं, दोनों तरफ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ पे साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, और ये क्या है, नेविगेटर की 1 साल की वारंटी भी है। और ये इनका स्टिकर्स है, और इसमें आप अपना हेलमेट भी अटैच कर सकते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप आराम से अपना हेलमेट अटैच कर सकते हैं इसके थ्रू, और इसको आप लगेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं तो इसको अपना बैग भी बना सकते हैं, जो कि आप अपने ये दे सकते हैं। अब ये बैग का काम करेगा, अगर आप लोग कभी ट्रैकिंग रैकिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान है आपके पास 50 लीटर का, तो काफ़ी हेल्प करेगा। देख सकते हैं अभी तो ये खाली है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर अगर ये इसको भर दिया जाएगा 50 लीटर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी डायनॉक्स की बैजिंग, यहाँ पर भी डायनॉक्स की बैजिंग, और ये तो रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर भी डायनॉक्स की बैजिंग दे रखी। ये थोड़ा सा मैश है, और इसको हम लोग अब निकाल देते हैं।
ये आप लोग दे सकते हैं, ये क्लिप दे रखी है, यहाँ पे आप हेलमेट फंसा सकते हैं, यहाँ पे दे भी रखा है कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपको दिखा दे क्या, वो बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको नेविगेटर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी 50 लीटर। तो गाइस जैसा कि आप लोग ने देखा ही, बैग में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, पर ये बात है इन्होंने ये जो ऊपर ये दे रखा है ये काफ़ी अच्छी, इन्होंने थोड़ा सा वो मिलिट्री वाला डिज़ाइन दे रखा है। अगर इस पे कोई आप बैग वैग रखते हैं तो बंजिंग रोप से आप इसको बैग को इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं। इन्होंने जो बैग का मटेरियल यूज़ कर रखा है जैकेट से भी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और सही है, पर अब ये पता चलेगा राइड के थ्रू पता चलेगा कितना ज़्यादा ईजी है। तो इन्होंने ये जो लॉकिंग वाला सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, ये अच्छी चीज़ है। और ये हेलमेट का अटैचमेंट है, यहाँ पे आप हेलमेट अटैच कर सकते हैं। अगर आप कभी बैग को अपने बाइक से निकालते हैं और अपने पीठ पे टांगते हैं तो आप हेलमेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में यही था, अब जाइए कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करके आइए, जाइए। तो गाइस वीडियो में यही था, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया। गाइस मैंने बता ही दिया, एक बार फिर से बता देते हैं, प्राइस जो इसका है वो 6,350 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, अब क्या कर सकते हैं, ख़रीदना तो था ही तो ख़रीद लिया, क्या ही करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, बाय बाय।